प्रणामामि। इस संस्कृत धारावाहिक को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का मुझे श्रेय प्राप्त हुआ है, इस बात का मुझे गर्व है। हम प्रयत्न करेंगे कि इस धारावाहिक को पांडित्यपूर्ण एवं जटिल ना बनाकर सबके समझने योग्य बनाया जाए। ऐसे दर्शकों की सुविधा के लिए जिन्हें संस्कृत भाषा नहीं आती या कठिन लगती है, हम यथासंभव सरलता से प्रस्तुत करेंगे। तो प्रस्तुत धारावाहिक महाकवि भास द्वारा रचित दो नाटकों प्रतिज्ञा योगंतरायणम एवं स्वप्नवासव दत्तम का मिश्रित रूप है। सज्जस्त्वम् आर्य अथ किम् महान् खल्वद्ध्वा गन्तव्यः महत्तरेण स्नेहेन आर्यमुपतिष्ठे यास्यति बलवान् यस्य सौहार्दम् अथ वेणुवनाश्रुतेषु गहनेषु नागवनम् श्वः प्रयाता स्वामी प्रागेव संभावयितव्यः। आर्य लेखः खलु माम् अपहति यस्मिन् आयत्तं कार्यशरीरम्। विजय आर्य वंदे आर्य इयमस्मि। विजय त्वरताम् लेखा प्रतिसरा च आर्य तथा। अथ दृष्टपूर्वस्त्वैष पंथा नहि श्रुतपूर्वः एतदपि मेधा विलक्षणम्। भोः
वानगज प्रच्छादित शरीरम नील हस्तिनम उपन्यस्य प्रत्योतः स्वामिनम छलियुत्काम इति प्रवृत्त रूपगतानः। अब इदानीं स्वामिनो बुद्ध्यतिक्रमो न स्यात्। अहो नु खलु वत्सराज भीरुत्वं प्रत्योतस्य व्यक्तिकृतं सामर्थ्यं अक्षौहिण्यः। व्यक्तं बलं बहुच तस्य नाचैक कार्यम् व्यक्तं बलं बहुच तस्य नाचैक कार्यम् संख्यात वीरपुरुषं जनचानुरक्तम् व्याजं ततः समभिनन्दति युद्धकाले सर्वं हि सैन्य मनुरागमृते कलत्रम् लेखा खल्वयं प्रतिसरा सर्ववधुजन हस्तात् त्वरयत इति भर्तृमाता आह। विजय विज्ञाप्यतां तत्र भवत्यै सर्ववधुजन हस्तयुक्ता वा एका वा प्रतिसरा दीयताम् इति। आर्य तथा। सुखम आर्यस्य। कथम निर्मुण्डकः। आर्य एष भरतपादमूलाद् उपस्थितिकौ एकः हंसक आगतः। हंसक एकः प्राप्त इति। सालक आर्य विषम्यताम् इदानीं मुहूर्तं त्वरितरं वा यास्यति सविश्रमेव। आर्य तथा। निर्मुण्डक प्रवेशताम् हंसकः। आर्य तथा। स्वामिना विरहित पूर्वो हंसक एकः प्राप्त इति साविघ्नम् इव मे मनः। एतवेत् आर्य। कुत्र कुत्र आर्य? आर्य एष तिष्ठति उपसर्पत्वेनम् सुखम आर्यस्य। हंसक न खलु कथा स्वामी नागवनम्। आर्य यह एव गतो भर्ता। हंत निष्फलम् अनुप्रेषणम् चलिता स्मः अथास्ति प्रत्याशा अथवा अद्यैव प्राणा मोक्तव्या। कर्तै खलु तावद् भर्ता। घर्ते तावदित्यनूर्जिता विपत्तिर्भिता गृहीतेन स्वामिना भवितव्यं ननु। सुष्ठु आर्येण विज्ञातम्
गृहीतो भर्ता। कथम गृहीतः स्वामी? हन्तः भो, महान खलु भारः, प्रद्योतस्य भाग्यैर्निस्तीर्णः। अद्य प्रभृति वत्सराज सचिवानां प्रतिष्ठितं सामर्थ्यं यशश्च अयश्च इदानीं मनुत्पन्न कार्यपण्डितो रुमन्मान् क्व गता? इदानीं अश्वरोहणीयं क्व गतम्? कुतः? सौहृदहृतं च कुलोद्गतं च व्यायाम योग्य पुरुषं च गुणार्जितं च प्रीतं परैर्गहन दुर्गतया प्रनष्टम्। युद्धे समस्तमति हारतया विपन्न यदि समग्र योद्ध बल परिवारो भवेत भर्ता, नैश दोषो भवेत। कथम समग्र योद्ध बल परिवारो नाम स्वामी? श्रीनाथ आर्य। स्वामिनो सूचना निवेदनार्थम आगतोस्मि। स्वामिनो विशेष सूचना निवेदनार्थम आगतोस्मि। आज्ञा पयतु सखा। गच्छतु गच्छतु। स्वामिनो कीर्ति सर्वासु दिक्षु प्रसरतु। मया संप्रत्यत्रतो क्रोस मात्र दूरं मल्लिकाशाल वृक्षाभ्याम आवृति शरीरो नखदंताभ्याम हीनो हस्ति विशेषो दृष्टः। प्रसन्नो नो तव अनया सूचनया गृहाण तावत् पारितोषिकम्। गजलक्षण शास्त्रे एतादृश नील वर्ण गजेन्द्र वर्णनम् पठितम् अस्याभिः। तस्माद् एतस्य गजयूत कृते भवन्त सावधाना भवन्तु। तम गजम् न आत्मवीणा सहायने वशिनम् करोमि। देवा, न खलु दुष्करम् भवत् भिर्दे गजम् नीग्रहणम् मेरावतम् भा। देशांतरे तु काठिन्येन रक्षा भवति। अत एव ते भयास्पदा। सीमा प्रांत वर्तिनो जना निर्लज्जा दुर्जनाश्च। अतो पदातिमस्य गजयूथस्य समीक्षणाय नियुज्य गमिष्यामो वयम्। ननु देव, एकाकिनो न गच्छेरन्। तव भरत्री निष्ठया नः प्रसन्नो अस्मि, किञ्च आत्मकौतूहलं नियंत्रण न आलम्। ताहिर ध्रुवं गमिष्यामि वयम् तत्र। सुंदर पाटलं नाम ममाश्वं मानितव्यम्। विशति मात्रं पदाति ही मया सह गमिष्यति। गज ग्रहण कौतूहलेन प्राचीन वार्तां विस्मृतो भर्ता। यद् आज्ञापयति देव। ततो द्विगुणं इवात्वानां गत्वा साल वृक्ष छायायां सावर्ण नष्ट नीलतया प्रोद्भासिताभ्याम शरीर विनिक्षिप्ताभ्याम इव दंत युगलाभ्याम सूचितो धनु शतमात्रनेव विषम दर्शनं दृष्टः। स देव्यवारण प्रतिछन्दः। हंसक अस्मत् परिताप्यतिच्यताम्। ततस्ततः श्रीनोत्व आर्य। तैशिक्षन्तव्यः अननैव व्यापादितो मम भ्राता। एतेन चंघारितो मम तनयः अनैनैव मे व्यस्यो विनाशितः। अयम जघान मम जनकम्। मुच्यताम मुच्यताम मुच्यताम। महासेन से आज्ञा वत्सराज ने कहे तो जानी माने तब। भो तिष्ठ तावत् तिष्ठ भो। मैं वम करू
तत्र भवतो महाराज प्रद्योतस्याज्ञा यदेनं वत्सराजं निगृह्य उज्जयिनी मानितव्यम्। क्षम्यतां वत्सराज, अस्मत् स्वामी आज्ञा बाधितो वह। तत्र भवान वत्सराजो गंभीराघाते नश्वारोहणे तावदसमर्थः। सादरेण सुसज्जितायां शिविकायां तस्मात् उज्जयिनीं आनेतव्यम्। एनम ते दिनम सेवकं प्रति कहा क्या स्वामी? गच्छतावत्वम हंसका योगंधरायनम प्रिक्षस्व। सर्व सचिव मंडल मतिक्रम्य एको योगंधरायनो द्रष्टव्य इत्या। अथ किम्? आर्य वंदे, अतुर अधिग्रहस्य वार्तया विज्ञापिता राजमाता भवतो तस्मादत्र भवति स्मरति। वंदे आर्ये योगंधरायणो प्रधानामाद्य। आनयतु। आर्य एष शोक प्रतिकारो यथा शक्ति निवेद्यते एतद् स्त्रीभिर् सामर्थ्ये मंत्रिणा मनुवरण्यते। आर्य वंदे, आज्ञापयतु तत्र भवति। एवं विधस्य सृजने परिगृहितस्य वत्सराजस्य आयं वृत्तान्तः किं शक्यं कर्तुम् अंतरेण विधानं तत्सम्मान्य सृजनं समर्थताम्। यः खल्विदानीं संकटेषु वा न विशीदति, विषमगतो वा न पर्यवतिष्ठते, वंचितो वा न निर्वेदं गच्छति, प्रतिघातेषु वा प्राणान् न समुज्झति, सखलु बुद्धिमान् पृच्छते प्रथमं एवमे वत्सस्य वयस्यः पश्चात् अमात्य। आनयतु मे पुत्रकं पुत्रक इति। निर्जायते मध्यमानात् काष्ठदग्निर्जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्त्य साध्यं नरा विजय। आप अस्तावत। आर्य तथा। यदि
शत्रु बल ग्रस्तो राहुणा चंद्रमा इव यदि शत्रु बल ग्रस्तो राहुणा चंद्रमा इव मोचयामि न राजानम् मोचयामि न राजानम् नास्मि यो गंधरायण 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 बादरायण जय तू महासेना निवेश तो जयवंती ही निवेश तो अनुरूपतश्च सत्कृतः न्यायं कृतं राजवंश गुणाभिलाषण समागतानां युक्तः पूज्या प्रतिग्रह अथ सर्वोपि कन्या प्रदानं प्रतिप्रष्टश्चेत् प्रच्छन्देन तिष्ठति बादरायण वक्तु काममेव त्वां लक्ष्ये न खलु किञ्चित् कन्या प्रदानं प्रति समुत्पन्नौ अभिमर्षः अलम् अलम् परिहृत्य सर्वसाधारणो येष विधिः अभिधीयता महासेन एषा मे विवक्षा एवं नामा हन्यहनि गोत्रानुकूलेभ्यो राजकुलेभ्यः कन्या प्रदानं प्रति दूत संप्रेषणा वर्तते न च महासेन कञ्चदपि प्रत्याचष्टे न च अपि अनुग्रहीते किन्नु खल्विदमेति बादरायण एवम् एतत् अतिलोभाद् वरगुणानां अतिस्नेहाच् वासवदत्तायां न शक्नोमि निश्चयं गन्तुं कुलं तावच्च लाघ्यं प्रथमम् अभिकांक्षे हि मनसा ततः सानुक्रोशं मृदुरपि गुणो येष बलवान् ततो रूपे कान्ति न खलु गुणतः स्त्रीजनभया ततो वीर्योदग्रं नाहिन परिपाल्यो युक्तया महासेन वर्जयित्वा नहिदानी मेते गुणा क्वचदेकस्था दृश्यन्ते पादरायण अतः कलचिन्ते दुहितु प्रदान काले दुःखशीला हि मात्रः तस्माद् देवी तावद् आहूयताम् यदाज्ञापयति महासेनः भो काशीराजदूत सम्प्रेषणेन वत्सराजग्रहणार्थ गतं शालङ्कायनं प्रतिगता मे बुद्धि किन्नु खल्वद्यापि वृत्तान्तं न प्रेष्यति सा ब्राह्मणा कामं यतस्य सालीला
तत्रैव अनुगतं मनः ये त्वस्य सचवाः सर्वे यत्नम् आस्थाय ते स्थिताः। जयतु महासेनः। यन् महासेन आज्ञापयति। वासवदत्त क्व? उत्तराय वैतालिक्याः सकाशे नारदीयां वीणां शिक्षितुं कथासि। कथम् उत्पन्नो अस्य गान्धर्वे अभिलाषः? केनापि किलोद्घातेन काञ्चनमाला वीणा योग्यां कुर्वतेम प्रेक्ष्य शिक्षितु कामासीत्। सदृशं बाल्यस्य। महासेनमपि किमपि विज्ञापयतु कामास्मि। किमिति? आचार्यम् इच्छाम इति। उपस्थित विवाह कालाया किम् इदानीम् आचार्येण पतिरेव नाम शिक्षिष्यति? एष इदानीं मे दारिकाया काला। भो, नित्यं प्रदीयताम् इत्यस्मान् उपरुद्ध किम् इदानीं संतप्यसे? अभिप्रेत मे प्रदानम् वियोगो माम् संतापयति। अत कस्मै पुनर्दत्ता? न तावन् निश्चयुगमिति। इदानीम् अपि न तावत्? सर्वथा श्वशुर परिचरण समर्थे वयसि वर्तते वासवदत्ता। एष चापराः काशीराजोपाध्याय आर्यजवन्ति रद्द दौत्येन प्राप्तौ लोभयति मां चारित्र्यम्। न किञ्चिदा अश्रुपूर्वा व्याकुला कथं निश्चयं गमिष्यति? भवतु, निवेदयामि। श्रूयन्ते अस्मत् सम्बन्ध प्रयोजनाय आगता राजानः। किम् इदानीं विस्तरेण यत्र दत्त्वा संतप्यामहे तत्र दीयताम्। अहो महान् खलु लीला भीतो दुख विस्तर इदानीं पश्चादुपालम्भनं श्रोतुं। तस्माद् देवी तावन् निश्चयं गच्छतु। श्रूयताम्। अस्मत् सम्बद्धो मागधः काशीराजो वांगः सौराष्ट्रो मैथिलः शूरसेनः एते नानार्थे लोभ्यन्ते गुणयमां। कस्ते वैत एषां पात्रता यात राजा। वत्स राजा। महिमे कात पत्रां काम राजसिंह प्रशास्तुना।